फर्क है? पहले ये इंसान को हिप्नोटाइज करती है, फिर उसे खा जाती है। बेचारा खन्ना तो इसका शिकार बन गया, पर क्या अमन, रोशनी और उनकी फैमिली इससे बच पाएगी? हमें उस पर नजर रखनी होगी, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती है। सही कह रहे हैं आप। ऐसा करते हैं, हम सब लोग बारी बारी से उस पर नजर रखेंगे। शुरुआत मैं करता हूँ, जब मैं थक जाऊंगा तो आप आ जाइएगा, और जब आप थक जाएंगे तो शायरी देख लेगी। रेहान सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक वो हम पर हमला नहीं करती, हम रिएक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पर नजर रखेंगे। तो आप फिलहाल अरमान का ख्याल रखें, मैं उसे देखता हूं। सुनो ध्यान से, हम जितना सोच रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। संभाल के रेहान, ठीक है? रेहान साहब, मैं इल्मे जिन में जाकर उसके बारे में पता लगाती हूँ, ठीक है? जी, अपना ख्याल रखना। लांती जिन जल पड़ी है, शक्ल से तो ऐसी मासूम भोली भाली सी लग रही है, लेकिन है पूरी एक नंबर की दो नंबर टाइप। सो गए होंगे, तुम भी जाओ सो जाओ। वैसे तुम्हें तो आराम की जरूरत ही नहीं, तुम तो बड़े ताकतवर जिन हो ना। और तुम बहुत बोलने वाले जिन, अपनी इन अदाओं का जादू अपने पास रखो, क्योंकि ये मुझ पर तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। खन्ना ये फाइल्स छोड़ भी गया, मुझे मिला क्यों नहीं? लगता है बिजी हो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं अपना काम करती हूँ। बेचारा जी, वो देख रहा है जो है ही नहीं। ये ड्रैगन इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, खान बाबा बाकी बच्चे तो दूध पीते ही सो जाते हैं। नहीं, गलती हमारी है,
हमें इसका नाम अरमान नहीं रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अरमान तो जागते ही रहते हैं ना। अरमान इसलिए नहीं सोता क्योंकि वो जिन है। हेलो, उसके अंदर आया ना पावर्स है और ये बात प्रूव हो चुकी है। वो देखो, अरमान की जिन पावर्स। ये जिन नहीं आया ना पावर्स है। आज बार बार क्यों टूट रही है? ये सरोर और रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ की वजह से हो रहा है। जितने भी ये स्टाइल मारने वाले लड़के होते ना, चालाक लड़के, उनको यूं फंसा लेती हैं। पहले उस नताशा ने फंसा लिया था और अब ये जिन चल पड़ी। कहीं इसने भी शायरी ना, जाकर एक बार देख ले। मरमेड ने रेहान को भी मरमेड बना दिया। पता नहीं अब अमन और रोशनी रेहान को बचा पाएंगे या नहीं। अरमान ने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है अरमान हमें कुछ बताना चाह रहा है। अरमान, खानवास की तो आईज भी ब्लू हो रही है। ये पानी काला क्यों पड़ गया? मुझे लगता है खान बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरमान वाकई हमें कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? रेहान, नजर कमजोर हो गई है, जितना करीब जाकर नजर रख रहे हैं। वो एक्चुअली मेरी रिंग पानी में गिर गई थी तो ये दे नहीं रही थी तो मैं उसको लेने अंदर गया था। तुम ठीक तो हो ना? जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रिंगी तो लेने गया था। और वो रिंग अपने आप पानी में गई कैसे? कुछ नहीं, मैं पूल के पास खड़ा हुआ था और रिंग पानी में गिर गई। ओह, रेहान को जल परी ने पानी से हिप्नोटाइज किया था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। आप लोग फिक्र मत कीजिए,
मैं शुरू से इस पर नजर रखे हुए हूँ और इसने कुछ नहीं किया, इसलिए तो पानी में कूद गया। हाँ भाई, सिर्फ एक रिंग के लिए। बड़ी खूबसूरत रिंग है जिसके लिए पानी में कूद गया शायरी।